हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे लखनऊ स्टाइल बहुत हल्के मसालों से मसाला पुलाव। ऐसी और रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो लखनऊ स्टाइल मसाला पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आधा इंच टुकड़ा अदरक का, दो हरी मिर्चें और 1/4 कप पानी डालकर एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। और अब बनाएंगे एक मसाला। तो एक बोल में 1/3 कप विस्क की हुई दही लेंगे। इसमें डालेंगे 3 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे। मसाला तैयार है। अब एक पैन गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 काली मिर्चें, 1/2 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़पत्ता और 2 लौंग। हल्का सॉटे करेंगे और डालेंगे 4 मीडियम साइज की स्लाइस कट प्याज। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए तो फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट और लो फ्लेम पर 30 सेकंड सॉटे करेंगे और डालेंगे दही वाला मसाला और मसाले को 1 मिनट भुनेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। और अब डालेंगे एक स्मॉल साइज की गोभी, जिसे मैंने वॉश करके इसके फूल को कट कर लिया है। इसी के साथ डालेंगे 1 कप स्मॉल डाइस कट गाजर, 1 कप आलू डाइस कट और 5 से 6 काजू, जिसे हाफ में कट करके डालेंगे। और अब सब्जियों को मसाले के साथ हाई फ्लेम पर 1 मिनट भुनेंगे। तो 1 मिनट हो गया है। अब डालेंगे 3 कप 1 घंटा सोख किए हुए सेला चावल और अब इन्हें भी हाई फ्लेम पर 1 मिनट भुनेंगे। और अब डालेंगे 3 कप पानी। और अब इसी के साथ डालेंगे 5 से 6 बीन्स, इस तरह लॉन्ग में कट करके डालें, और 1/2 कप मटर। बीन्स और मटर आप पहले भी डाल सकते हैं सब्जियों के साथ, लेकिन इस टाइम डालने से इनका कलर बना रहेगा। मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स 1.5 टीस्पून केवड़ा वाटर। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर नॉर्मल पुलाव से हटकर लगेगा। इस टाइम आप चावलों में नमक भी टेस्ट करके डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर और जब इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाए या पानी चावलों के बराबर हो जाए तो फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पर 15 मिनट रखेंगे या चावलों के कुक होने तक। बीच में एक बार चला दें ताकि चावल नीचे लगे नहीं। बर्तन हैवी बॉटम यूज़ करें और अगर तला हैवी ना हो तो एक तवा गर्म करके फिर पुलाव का बर्तन तवे के ऊपर रख दें। जब 15 से 20 मिनट हो जाए तो गैस बंद कर दें और 10 से 15 मिनट के बाद ही इसे ओपन करें तो चावल सही से सेट हो जाएंगे। तो 15 मिनट के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी और 10 मिनट मैंने इसे स्टीम में भी रहने दिया। तो अब इसे ओपन करेंगे तो हमारे खिले खिले लखनवी स्टाइल मसाला पुलाव बनकर तैयार हैं। इसे सर्व करेंगे गर्म गर्म। तो अब इसमें एक तड़का देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन लखनऊ स्टाइल बना रहे हैं तो कुछ नवाबी तो होगा ही। तो अब एक पैन गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। जब घी गर्म हो जाए तो डालेंगे 5 काजू, बीच में से 1/2 कट करके डालेंगे और लाइट गोल्डन होने देंगे। और अब डालेंगे 2 हरी मिर्चें, बीच में से स्लिट करेंगे और इसे भी 5 सेकंड सॉटे करेंगे। और अब गैस बंद कर देंगे और डालेंगे 1 से 2 पिंच कश्मीरी लाल मिर्च। और अब सर्व किए हुए चावलों पर डालेंगे तो हमारा टेस्टी लखनवी स्टाइल मसाला पुलाव तैयार है। इसे सर्व करेंगे टमाटर और प्याज के रायते के साथ, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो रायते का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं वहाँ शेयर कर दूँगी। तो ट्राई करें ये रेसिपी और अपनी फैमिली को खुश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।